नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। एक उत्तराखंड को बने 21 साल हो चुके हैं। 21 सालों में कांग्रेस भाजपा की सरकार लगातार आई गई है, लेकिन जो सपनों का उत्तराखंड जिसे कहा जाता था, वो शायद उत्तराखंड की जनता को नहीं मिल पाया। लगातार सीएम चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, कितना भी विकास कर ले, लेकिन जनता जिस सपनों के उत्तराखंड की बात करती है, वो नहीं मिल पा रहा है। वो क्या क्या खामियां हैं जो वो एक सीएम में देखते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर हम सीएम बने तो हम वो काम करें। तो हम उसी चीज को जानने के लिए जनता के बीच आ चुके हैं और उनसे एक ही सवाल करेंगे कि अगर आपको सीएम बना दिया जाए तो आप प्रदेश के लिए क्या करेंगे और क्या हो सकता है। तो इसी के साथ आज हम बाजार में मौजूद हैं। हम लोगों से कैजुअली वे में सबसे एक ही सवाल करेंगे कि अगर आपको उत्तराखंड में एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जनता की बहुत सेवा करेंगे। जनता की सेवा करेंगे? बहुत। क्या 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 करेंगे सेवा में? जितना भी काम काला धन है वो सब साफ करेंगे और जनता की बहुत सेवा करेंगे। अच्छा, तो आपका मानना है कि जनता की सेवा करेंगे, काला धन हटा देंगे? आपका क्या मानना है कि अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया गया तो जनता की सेवा ही करेंगे जी, और क्या। तो आप चाहते हैं कि अगर सीएम भी होते तब भी वो जनता की सेवा करते? जी बिल्कुल, हकीकत बात। तो और लोगों से जानते हैं, लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और जानने की कोशिश। आपको अगर एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैडम, जनता की सेवा ही करनी चाहिए, और क्या। आदमी जब सीएम बना दिया अधिकारी हो गया कि वो मतलब जनता के लिए काम करने के लिए चुना जाए। अच्छा। जनता की सेवा ही के लिए करना। अच्छा, तो आप जनता की सेवा। आप क्या करते हैं अगर आपको सीएम बना दें एक दिन के लिए तो? जनता की सेवा करेगा। जो उल्टे सीधे काम हो रहे वो गलत हो रहे, वो सही करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है उल्टे सीधे काम वालों को आप अच्छा सबक सिखाते? हाँ जी, अच्छा सबक सिखाते। तो और लोगों से जानते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर एक दिन का सीएम उन्हें बना दिया जाए तो क्या क्या देश का विकास होगा, क्या क्या प्रदेश का विकास होगा। तो लगातार लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। सब कुछ सस्ता कर दोगे आप, फ्री में कर दोगे सब चीज़ें? हाँ, तो आप क्या, अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अच्छा। सेकेंड ये है मैम, जैसे कि कोविड जैसा फैला था, जो महामारी इतनी फैली गई थी, उसमें जो यहाँ के थे विधायक थे, जो भी थे पहले, उन्होंने इस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से काम करना चाहिए था सरकार को। हम तो यही कहेंगे कि अगर सरकार मेरे को सीएम बना देती है एक दिन के लिए, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन पे काम करूँगा माँ। अच्छा, अच्छा। जो लिटरेसी रेट हमारा गिरा हुआ है, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा खैर वो। हाँ। मैं उसको मुद्दों को आगे लेके आऊँगा। जो बेचारे बेरोजगार सड़कों में घूम रहे हैं, उनको एक तरह की नौकरी, जैसे गवर्नमेंट नौकरी है। सपोज मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है, सपोज। अच्छा, अच्छा। तो मैंने एक अच्छे लेवल पे काम किया है, एक अच्छे तरीके से काम किया है। मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही आज के टाइम में, और जो अनपढ़ लोग हैं उनको, जैसे कि मैंने अभी यूपी में ही देखा था, वहाँ पर इतनी सारी लेडीज़ थी जिनको जॉब मिली है, जिनको वो स्पेलिंग तक लिखनी नहीं आती, उन्हें गवर्नमेंट जॉब तक मिली हुई है। गवर्नमेंट जॉब लगता है कि लिटरेसी रेट होगा। लिटरेसी, हाँ, लिटरेसी रेट बहुत डाउन है। मैं लिटरेसी रेट को ऊपर करूँगा, एजुकेशन को एक सर पे, एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा उसको। और बेरोजगार क्या करेंगे आप जनता के लिए? मैम, जनता के लिए तो मैम ये देखो, मैं एक पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। हाँ देखो, अगर सीएम कोई बनता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है अपना घर ना भरे। अच्छा। वो लोग जनता के लिए फील्ड में आगे काम करे वहाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं और लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि अगर उन्हें एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे। तो आइए, मैं चाहूंगी अपने कैमरा मैन से वो इधर की साइड आए। तो सर, अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मार्केट को कंट्रोल करेंगे। अच्छा। और ये जो गुंडागर्दी इस तरीके की जो है उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, तो गुंडागर्दी को आप कंट्रोल करेंगे, इसके अलावा और कुछ काम? और कुछ ये कि जो पुअर क्लास है उसके लिए मतलब स्कीम लाएंगे, नई नई, उनको ताकि मतलब वो अपनी लाइफ को ठीक से गुजार सकें। अच्छा, अच्छा। तो आप क्या करेंगे अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए? जो सभी करते हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, तो आप एक दिन, आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 30 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। 30 रुपए का सिलेंडर? सिलेंडर, गैस सिलेंडर 30 रुपए का। अच्छा। और तेल जो है ना वो 40 रुपए किलो, सरसों का तेल। कैसे मुमकिन होगा ये? मुमकिन नहीं सर, जब सीएम बन जाएगा तो जिम्मेदारी हमारी होगी ना। तो आपको लगता है सीएम बन के आप 30 रुपए का सिलेंडर और 40 रुपए का? हम इस टाइम भी सीएम ही है। अच्छा। हाँ, ऐसा मत समझो, हम सीएम नहीं, इस टाइम भी सीएम है। अच्छा। अब सीएम तो विधानसभा में बैठता है, लेकिन हम तो यहाँ सब्जी मंडी में घूम रहे हैं ना, तो सीएम सीएम ही है। अच्छा।
तो आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मैडम हम महंगाई कम कर देंगे, सब कुछ सस्ता कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हाँ, तेल 70-80 रुपए से ऊपर नहीं जाने देंगे, सिलेंडर 500-600 से ऊपर नहीं जाने देंगे। हाँ, 500-600 रुपए से ऊपर नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, सबको रोजगार लगाएंगे। आपका क्या मानना है अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे? पहले तो खाने पीने की चीजें सस्ती करेंगे। दालें जैसे बहुत महंगी हो रही हैं, गरीब आदमी बेचारा परेशान है कोरोना के, उससे वैसे ही उनको काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दालें और आटा दाल चावल सस्ता होना चाहिए। हाँ, तो आपने एक महिला होने के नाते जो घरेलू खर्चे हैं उनको कम करेंगी? कम करेंगे उसको। अच्छा, तो आपका ये मानना है? हाँ जी, हाँ जी, ये मानना है। ठीक है, तो और लोगों से आपका क्या मानना है अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लिए सबसे पहले तो बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे जी। अच्छा। और जो महंगाई है इस पे लगाम लगाएंगे, जैसे पेट्रोल महंगा है ये सस्ता होना चाहिए मैडम। अच्छा। और जो आपका वो आ रहा देश में समाज की सेवा के, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, वो करना चाहिए, जो अपराध वगैरह हो रहे हैं ना सबसे ज्यादा उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो आप सीएम बनेंगे तो इन सब चीजों को करेंगे। और दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स में रिबेट भी देंगे। अच्छा। जो सीनियर, अभी गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही आज की डेट में सीनियर सिटीजन के लिए, गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है जी। अच्छा, सीनियर सिटीजन के लिए अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया, पर आप आएंगे सीएम अगर तो आप करेंगे? यस, पहला काम सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पहला काम रहेगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो आपका आशीर्वाद अभी वैसे हाल ही में किसके साथ है? वो वक्त पे बताएंगे जी, चेंज हो सकता है, वक्त पे बताएंगे। ठीक है, तो और लोगों से जानते हैं कि आपको क्या लगता है एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? अजी, हम कहाँ सीएम बन सकते हैं, सीएम तो जो बनेगा वो ये करेंगे, सबका सोचे अपना अपना ना सोचे, कोई भी सीएम बने। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप बन जाए तो क्या करेंगे आप सबसे पहले? कैसे बन जाएंगे हम? अंगूठा छाप हैं हम क्या? अगर बन भी गए सपनों में तो आप बताइए क्या काम करेंगे? अच्छा जी, सपनों में बताइए क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं जहाँ तक भी हमसे होगी किसी की। अच्छा, ठीक है, तो आप जनता की सेवा करेंगे। ठीक है, तो और लोगों से जानते हैं। सर, तो आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? जैसा अनिल कपूर ने काम किया था वैसे ही करेंगे। तो आप नायक पिक्चर बना देंगे? बना देंगे जी। और कोई ऐसा उत्तराखंड के लिए विकास कार्य? हाँ, विकास कार्य बहुत बढ़िया हो गया है, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम की गिनती नहीं है। अच्छा। इतने काम करें जी, काम की गिनती नहीं है उनकी। अच्छा, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बना दिए, अच्छे सड़कें बना दी, आयुष्मान कार्ड बनाया, जो हर साल 5 लाख रुपए का जो है पैसे रिन्यू होता है, किसी को हो जाए 5 लाख रुपए वो गवर्नमेंट देगी आपको, इससे अच्छा काम क्या करेंगे? जो आज के जो 70 साल की वजह जो कांग्रेस बैठी है, क्या करा उन्होंने आज तक? मान ले मैंने कुछ भी नहीं करा उन्होंने आज तक मान ले। अच्छा, पर आप सीएम बने तो क्या करोगे आप? नायक वाला काम कर लेंगे, नायक वाला काम करेंगे। अच्छा, तो आप नायक वाला काम करेंगे। ठीक है, तो और लोगों से जानते हैं, और जानने की कोशिश के साथ साथ लोगों से लगातार जो हम सवाल कर रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है किसी को तो उनकी विचारधारा किस तरीके से बदल जाती है और क्या लगेगा कि अगर सीएम बन गए, क्योंकि हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो तमाम लोगों का यही मानना है कि अगर हम सीएम बन गए तो सबसे पहले विकास कार्य मुद्दों और तमाम सड़कों से जुड़े मुद्दे करेंगे। तो और लोगों से जानते हैं, आइए हम दुकान में भी चलते हैं और दुकान के व्यापारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? मेरी? एक दिन का सीएम बना दिया जाए आपको अगर, तो क्या करेंगे आप? हम देश का भविष्य बदल देंगे। देश का भविष्य बदल देंगे ए? कैसे? जैसे आप हो रहा है ना ये, हाँ। ये नहीं होने का, फिर जो महंगाई हो रही है आजकल, ये महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई कम करवा देंगे एकदम, और बढ़िया जितना भी ये देश में हो रहा है काम, ये नहीं होने का फिर। अच्छा, महंगाई का? अच्छा, महंगाई बहुत बढ़ गई, गैस पे बहुत महंगाई है, सारी चीजों में महंगाई बढ़ी हुई है। क्या तो लगता है आपको अगर एक दिन आपको सीएम बना दिया जाए? अगर मेरे को सीएम बना दें तो पूरे मार्केट और पूरे गांव और पूरे शहर को एक दिन में सुधार के रख दूंगा मैं। अच्छा। जैसे अनिल कपूर ने नाइक फिल्म में सुधारा था। अच्छा। अब यहीं देख लो आप, पलर बाजार की स्थिति देख लो आप। अब ये देखिए इधर, आप उधर कैमरा घुमाइए, आप एक बार उधर देखो, आप उधर घुमाइए कैमरा एक बार, वो देखो कैसे गाड़ियां लग रखी बिल्कुल बीच सड़क के बीच में। अच्छा। ये कोई बात थोड़ी है, अगर सीएम हमें बनाया जाए तो एक दिन में हम सुधार कर देंगे, जैसे अनिल कपूर ने किया था, हर गरीब को देंगे काम, घर मकान, जैसे थोड़ा बहुत तो मोदी ने भी किया, ऐसी बात नहीं है, मोदी ने गरीबों के लिए बहुत किया है,
ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही हम करेंगे। प्रत्येक आदमी को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कारोबार देंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और जो दो नंबर का काम हो रहा है उस पर एकदम ठप्पू लगा देंगे, बिल्कुल ठप्पू लगा देंगे, बिल्कुल एकदम से। और क्या, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ करो बंद वहाँ करो, हम तो सिर्फ उनको पकड़ेंगे जिनके अंडर में जो सरकार है। अगर कुछ हुआ तो करप्शन मिटा देंगे, सब चीजें कर देंगे, बिल्कुल। अब देखो, हम पढ़े लिखे हैं, हमने इंटर पास किया है, मगर हमें काम नहीं मिला तो बूट पॉलिश कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। अगर गलत चाहते तो हम 6 महीने के अंदर 1 करोड़पति बन जाते हैं। क्या करते हैं आप जो आपको एक दिन का सीएम बना दे? हाँ जी, मैं कर रहा हूँ पूरे गरीबों को ना नीचे से ऊपर उठा दूंगा एक दिन के अंदर ही। हाँ जी, क्या और क्या करते हैं आप इसके अलावा? मैं देखो बहुत करते, गरीबों को नौकरी मिली, बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का पैसा मिलना चाहिए, उन्हें हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। आज जितने भी हैं उन्होंने आज तक गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है, नाम के सीएम है कुछ भी नहीं करते हैं। आज गरीब हम 120 साल से यहाँ पे बैठे आज तक हमारे किसी ने, मगर मोदी जी ने थोड़ा कुछ किया है तो किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। सीएम बन जाऊँ तो जी मैं तो सबसे पहले गरीबों की मदद करूँगा। अच्छा। छोटे मोटे जैसे हमारे अनिल कपूर ने करा था, अनिल कपूर जी ने जो फिल्म में, तो आप नायक की बात कर रहे हैं, नायक जैसा, जैसे ऐसे करेंगे जो गरीब आदमी को झोपड़ा हो उसको घर बना के दें, जो गरीब आदमी के रोटी पानी नहीं उसके पहले गरीबों का सहारा मिले, उसके बाद अमीरों को देखेंगे। हमारा मानना है वही जो हमारे पड़ोसी कह रहे हैं, हमें भी ये नायक फिल्म की तरह है। हाँ, अगर ऐसा हो जैसे नायक अनिल कपूर ने किया था ऐसा हम करें, जितने भी जिसकी झोपड़ी नहीं है, जिसकी झोपड़ी नहीं है रोड पर रहते हैं, तो हम सीएम बन जाए तो ऐसा बना के दिखाएं कि उनको सबको पक्के मकान बना दिया जाए, उनको अच्छा सा लोन दिया जाए जिसमें से 70% को फ्री दिया जाए, 25% दिया जाए। ठीक है, हाँ जी। तो अब और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें सीएम बना दिया जाए तो क्या आपको क्या लगता है, अगर सीएम बना दिया जाता तो आपको मैडम एक दिन के लिए सीएम बना दें, मैं सारे गरीबों को पक्के मकान बना दूंगा और सारी गरीबी दूर कर दूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, गरीबी दूर कर देंगे एकदम सही, जितना भी अगर सरकार की तरफ पैसा मिलेगा सब गरीब को दान कर दूंगा। आपको अगर सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे? सीएम के काम करेंगे और क्या करेंगे? क्या सीएम का काम? जैसे सीएम का काम होता है वही काम करेंगे। नहीं, आप देश को किस तरीके से सुधारेंगे, क्या बदलेंगे ऐसा? भाई हमसे तो बहुत बड़े बड़े आदमी पड़े हुए हैं देश सुधारने के लिए, हमारे तो नियति लोग देश से करेंगे वैसे हम भी करेंगे। अच्छा, तो कोई एक मेन समस्या जो आपको लगे कि हम अगर सीएम होते तो हम यही करते? सीएम होते तब देखते, अभी तो है नहीं, अभी तो नमकीन बेच रहे हैं, नमकीन के बारे में सोचते हैं कि मैं इतने अपना कर्ज दीवार चला लेंगे कि नहीं चला पाएंगे। अच्छा, तो आपका ये मानना है, तो आइए और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सीएम होते तो क्या होता। मैम, अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अरे जो ये पॉपुलेशन है, ये जो हमारे हमारे बीच में जो ये नहीं है अच्छे बुरे लोग कैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं इधर उधर, दूसरों को संदेश दे रहे हैं, अपने को खुद उस रूलों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर थोड़ा प्रताड़ित करते हैं, उनको थोड़ा सजा देते हैं। अच्छा, तो आप सजा देते हैं, ठीक है। तो आइए और लोगों से जानते हैं। सर, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मैम एक दिन में तो कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, पहली बात तो यह है, मतलब उसको समझने के लिए कम से कम एक हफ्ते का प्रोटोकॉल तो हमें चाहिए। अगर फिर भी बन जाते तो सबसे पहले अपने उत्तराखंड को स्वच्छ रखते, साफ रखते और अपने उत्तराखंड की मतलब जो स्थिति है अभी इसको सुधारते मैम। ठीक है, तो आप क्या करते सर अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो? मुख्यमंत्री बनना है और ना तो कुछ। अरे हम लोग की हैसियत कहाँ, हम लोग कहाँ ये सब लाइन में चल पाएंगे? अरे अगर बन गए तो? नहीं बन पाएंगे ना, हम लोग कर पाएंगे, हम लोग के बस का नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बाजार में आ चुके हैं, तो ये बताएंगे अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो क्या करेंगे? तो मोदी जी से कहकर बनवा दीजिए, बनूंगा तभी तो कुछ बताऊंगा क्या करूंगा। तो अगर आप देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, तो आपको क्या लगता है अगर आप सीएम होते तो क्या होता? अरे सीएम होते तो क्या होता, वही रोजगार के बारे में काम किया जाता, और क्या। अच्छा, तो रोजगार के लिए आप काम करते, और क्या। ठीक है, तो आपसे भी जानते हैं कि अगर आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाता तो क्या करते आप? क्या करेंगे, सबकी भलाई करना, गरीबों का भला होना चाहिए, कम से कम शहर व्यवस्थित हो, रोजगार हो, सबको मिले, कम से कम भुखमरी बेरोजगारी ना हो। हम तो यही चाह रहे हैं कि अच्छा जो आगे भी जो नेता आए अच्छा ही आए, हम पहली बार यही है, हो सकता है मोदी को ही आए, हम तो यही कहते हैं दोबारा मोदी आ जाए कोई बात नहीं, हमारे लिए कुछ कार्य करे, हमारी जो फड़ियाँ गई हुई हैं
ये हमारी फड़ियाँ लगनी नहीं, इससे हमारी फड़ियाँ का जो पहले लगती थी ऐसे लगनी चाहिए, क्योंकि आज हमें 50 साल हो गए यहीं पे, हमारी इस टाइम 73 साल की उम्र है और इस टाइम हम यही चाहते हैं कि हमको पेंशन भी मिले, को मदद मिले, अभी तक कोई मदद नहीं मिल सकी। अगर मुझे सीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले मैं भ्रष्ट अधिकारियों का एक तरफ करूँगी। भ्रष्ट अधिकारियों को करने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी है हमारे प्रदेश की, हॉस्पिटल इतने गंदे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को कहते हैं सफाई होनी चाहिए, दवाइयाँ नहीं बढ़ती, टाइम पे पर्चियाँ नहीं बनती, डॉक्टर नहीं अवेलेबल, इतने अच्छे डॉक्टर होने के बाद वहाँ जनता त्रस्त रहती है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, वो सिस्टम ठीक करेंगे। स्कूलों का बुरा हाल है, पब्लिक स्कूलों में की तो बात नहीं करती, सरकारी स्कूलों में वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ शौचालय लड़कियों के लिए अलग होने चाहिए, कई जगह तो हमने करवा रखे थे पहले भी, ये करूँगी। और उसके बाद जो सीवर ये करते हैं, सड़कें बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं, चाहे वो पार्षद है चाहे विधायक निधि से आता है पैसा, उनको इतनी तमीज नहीं है, सड़क बनाएंगे जो गटर का ढक्कन होता है वो नीचे ही रहने देते हैं। अरे इतनी तो अकल होनी चाहिए, सड़क के लेवल के ऊपर वो बराबर तो कर दो, उतने में तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो जाएगा, 1,000-500 रुपये खर्च होंगे, वो गड्ढे वही गाड़ियाँ गिरती रहती हैं। और ये ब्लाइंड है ये बोर्ड, इन ऐसे ब्लाइंड बोर्डों को ठीक करवाऊँगी मैं, वहाँ बिल्कुल स्पीड ब्रेकर होने चाहिए और पार्किंग की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। और जितनी सबसे ज़्यादा गलत जो है, नदियों में झोंपड़ियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है वसनीक आपने बनाए वोट के लिए, पर मैं सबसे बाहर एक खुली जगह में जो गवर्नमेंट की ज़मीन होगी, चाहे पंचायत की होगी चाहे निगम की होगी, उस पर उन लोगों के लिए एक एक कमरे का मकान बना के दूँगी, टॉयलेट भी हो, बाथरूम भी हो, किचन भी हो, कमरा भी हो, और उनसे पैसे लिए जाएंगे। अगर वो फ्री में रह के जब बाढ़ आती है तो वो पैसा गवर्नमेंट का लेते हैं, वही पैसा क्यों ना वहाँ लगाया जाए। तो बाढ़ ग्रस्त नहीं होने देना, नदियाँ फिर खुली रहेंगी, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, और जो ये धंधे करते हैं उल्टे सीधे सारे वो ख़त्म होने चाहिए, पढ़ाई शिक्षा का स्तर ऊँचा होना चाहिए, और वाकई जो जेन्युइन है, और जातिवाद हटना चाहिए, जातिवाद नहीं उस प्रायोरिटी पे दो। कई ऐसे अच्छे लोग हैं कोविड में देखे, अच्छी नौकरी कर रहे हैं पर वो मांग नहीं सकते, आप जाति के आधार पे क्यों करते हैं, जाति के आधार पे तो बर्बाद हो रखा है ये विधानसभा उस जाति की, तुम जाति के नाम से वोट लेते हो तो फिर उसी जाति की वोट मांगो ना। आपको लगता है कि अभी जात पात पे चल रही है राजनीति? बिल्कुल जात पात पे चल रही है, राजपुर विधानसभा उन्होंने कहा क्या मतलब है, इंसान है वो भी, किसी को भी तो हो ना, मैं होती मुख्यमंत्री तो मैं कभी टिकट ना मांगती जाति के आधार पे, फिर एक ही बंदे की एक ही जाति के एक ही समूह के लोगों से आप लो ना वोट, क्यों सबसे लेते हो वोट जी? तो और लोगों से जानते हैं कि क्या है। मैं देश के लिए भला सोचूंगा और देश के लिए रोजगार देखूंगा, और बाय द वे मैं देश की मैं गरीब लोगों की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप ये सब करेंगे प्रदेश के लिए? हाँ। और आपका क्या मानना है? वही देश के लिए भला ही करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सोचेंगे कि जिससे तरक्की हो। अच्छा। देश का भला हो बस इतने। तो मतलब आपका मेन मोटिव है कि देश का भला होना चाहिए अगर आप सीएम बनते हैं? मैम एक्चुअली जैसे केजरीवाल सरकार ये बहुत गलत कर रही है, हर कुछ फ्री कर रही है, बिजली पानी फ्री, अगर से बिजली जो अगर केजरीवाल सरकार फ्री कर रही है तो अगर इसमें मैम फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। मेन ये जिसको भी अगर रोजगार देना है तो पैसे उसके लिए डेवलपमेंट करो ना, ये फ्री व्री से क्या है, फ्री से जो आदमी कर रहा है वो भी नहीं करेगा ना। मेन चीज़ है विकास करो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश आगे तरक्की करे, और फ्री वाला सिस्टम बहुत बेकार है, फ्री हमें मैम बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कौन बनाएगा मुख्यमंत्री? नहीं, अगर बना दिया गया या फिर बन गया आप तो क्या करोगे? सबसे पहले जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उन्हें नौकरी के लिए कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ हों। और हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं वो मेडिसिन में हैं, अस्पतालों की बहुत कमी है, डॉक्टरों की बहुत कमी है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। और स्मार्ट सिटी है, अब देखिए आप ये स्मार्ट सिटी के नाम पे कैसे ये सड़कें बनाई गई हैं, आप दिखाएंगे तो देखिए। सबसे पहले सड़कों पे ध्यान दिया जाएगा, मेडिसिन पे ध्यान दिया जाएगा, और नौकरियों पे ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी युवा बेरोज़गार जो है, पढ़ लिख के करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं हमारे देश में, प्रदेश में बहुत लोग बेरोज़गार हैं, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। मुझे खैर मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है,
मगर अगर कभी कोई भी मुख्यमंत्री बने, जो भी बने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। मगर सबसे पहले ज़्यादा उनको नौकरी पे ध्यान देना चाहिए, युवाओं को नौकरियाँ दें और अस्पतालों पे ध्यान दें, और गरीब लोगों को जो है उनको ऐसी ऐसे वो खोले जाएं जैसे मोदी जी ने जन औषधि खोली है, उसमें उसमें कुछ प्रतिशत छूट मिलती है, दवाइयों को छूट, हाँ दवाइयों को छूट मिलती है। तो कई गरीब जो लोग हैं बेचारे ऐसे ही बीमारियों से जूझते हैं, बड़ी बीमारियों से जूझते हैं, इलाज नहीं करा पाते, उनकी मौत हो जाती है। तो जो इनका ध्यान रखा जाए और उनको बहुत ही ज़्यादा उनका ध्यान रखा जाए ताकि कोई भी मतलब बीमारी से ना मरे। जैसे हमने लोगों से बात की राजधानी में, तमाम लोगों से, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, हमने हर एक से बातचीत की और हर एक से एक ही सवाल किया कि अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो आश्चर्यचकित जवाब हम लोगों को मिले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो जवाब ज़्यादा देखे गए हैं तो ये कि बेरोजगारी मिटाएंगे, सड़कों का विकास करेंगे, पहाड़ों की समस्याओं को दूर करेंगे। इन तमाम मुद्दों के साथ जो प्रदेश की जनता है, अगर वो मुख्यमंत्री बनती तो उनका फैसला यही था। तो वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया।